दिल्ली के महामहिम जो एलजी हैं बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। आज तक दिल्ली के इतिहास में इस पद पर या तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर या रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको संविधान की जानकारी हो, जो संविधान का रेस्पेक्ट करते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक ऐसे इंसान को जिनके ऊपर खुद महिला उत्पीड़न का आरोप हो, उनको दिल्ली का एलजी बनाया है। आप सबको पता होगा कि दिल्ली में अगर हम अपने घर में एक सिक्योरिटी गार्ड, एक कुक, ड्राइवर किसी को भी रखते हैं तो दिल्ली पुलिस द्वारा उसका हम पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। लेकिन मोदी जी ने तो एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ही हमारी दिल्ली में भेज दिया, दिल्ली की दिल्ली वालों की सुरक्षा करने के लिए भेज दिया। आप सोचिए, ऐसे इंसान जो जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप है तो वो क्या दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में आप देखिए, पूरी लिस्ट है दिल्ली में कैसे महिलाओं के खिलाफ रोज जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे एसिड अटैक हो, अपहरण हो, गैंग रेप हो, मोलेस्टेशन हो, रोज ही कोई ना कोई केस दिल्ली के किसी ना किसी कोने से हमें सुनने को मिलता है। ऐसे एलजी जो अपना इनको सिर्फ काम करना है, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेदारी जिनकी है उसके अलावा वो सारे काम करते हैं, और वो कहते हैं कि वो दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस के काम से बहुत खुश हैं। एलजी महोदय तो संविधान को मानते भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो एक सलाह की तरह है। मैं देश की राष्ट्रपति महोदया जो खुद एक महिला हैं, उनको गुजारिश करना चाहूँगी दिल्ली की सब महिलाओं की तरफ से कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान को दिल्ली के एलजी के पद से हटाया जाए, जिससे कि दिल्ली की जो महिलाएँ हैं वो थोड़ी राहत महसूस करें, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। किसी ऐसे इंसान को दिल्ली का एलजी बनाया जाए जो कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था ढंग से चला पाए। और ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ लुच्चे लफंगे ही बचे हैं, कुछ अच्छे लोग भी होंगे जो दिल्ली के एलजी के पद पर जिनको बैठाया जा सके।